नमस्कार, मैं डॉक्टर पारुल गर्ग, आई एम एन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ थायराइड नोड्यूल्स के बारे में। थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड या ग्रंथि है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बॉडी में। अब बहुत सारे लोगों में इसमें कुछ गांठ बन जाती हैं, जिनको हम थायराइड नोड्यूल कहते हैं। लगभग 80% लोगों में ये गांठ नॉन कैंसरस होती हैं या बेनाइन होती हैं, बट इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि वो गांठ आपके आगे आपको दिखाई दे रही है बहुत बड़ी और कॉस्मेटिकली अच्छी नहीं लग रही है देखने में, या फिर अगर गांठ बहुत बड़ी हो जाती है तो आपकी फूड पाइप पर, आपके खाने की नली पर वो दबाव दे सकती है, जिससे आपको खाना निगलने में प्रॉब्लम हो सकती है या कई बार सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और थायराइड नोड्यूल की वजह से पेन भी हो सकता है। तो अगर ये नोड्यूल प्रूवन है कि ये नॉन कैंसरस है, तो इसका ट्रीटमेंट बहुत तरीके से किया जा सकता है। अभी तक जो ट्रीटमेंट होता आ रहा है और ज़्यादातर जगह होता है, वो सर्जरी से होता है, जिसमें कि एक मेजर पार्ट ऑफ थायराइड टिश्यू जिसमें वो नोड्यूल मौजूद है उसको सर्जिकली निकाला जाता है। तो लगभग आधे से ज़्यादा थायराइड निकाल दिया जाता है। उसकी वजह से बहुत बड़ा स्कार आपकी नेक पे आता है, ऐसा स्माइली स्कार आता है यहाँ पे। और ये ऑपरेशन जनरल एनेस्थीजिया में होता है, हॉस्पिटल में एडमिट भी रहना पड़ सकता है। उसके कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जैसे कई बार थायराइड के पास आपके वोकल कॉर्ड्स की नर्व होती है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, वो डैमेज हो सकती है, तो उससे आपकी आवाज़ ख़राब हो सकती है। अब नई टेक्निक क्या है? नई टेक्निक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के पास नई टेक्निक है, जिसको हम कहते हैं एब्लेशन मेथड। एब्लेशन का मतलब होता है कि आप नोड्यूल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं किसी भी मेथड से। अब वो मेथड क्या है? इट कैन बी केमिकल एब्लेशन। केमिकल एब्लेशन मतलब हम एक लिक्विड एजेंट डाल रहे हैं, स्पेशली उन नोड्यूल्स में जो लिक्विड से भरे हुए हैं या सिस्टिक हैं, और उनको हम बर्न कर रहे हैं उस लिक्विड के द्वारा। यूजली ये लिक्विड होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल, जो कि सिस्ट की वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। और दूसरा एब्लेशन टेक मेथड होता है थर्मल एब्लेशन। थर्मल मतलब हम हीट एनर्जी से उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हीट एनर्जी में हम माइक्रोवेव टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं या रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो प्रोसीजर है, ये बिल्कुल आउटडोर प्रोसीजर है। पेशेंट को हम लोकल एनेस्थीजिया में एब्लेशन करते हैं। पेशेंट सुपाइन या सीधा लेटता है और हम अल्ट्रासाउंड के मेथड से पहले उसका नोड्यूल देखते हैं कि किस जगह पे लोकेटेड है। फिर एक पतली सी नीडल होती है माइक्रोवेव या रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव एब्लेशन की, जिसको हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में, अल्ट्रासाउंड में देखते हुए हम उसी नोड्यूल के अंदर इंसर्ट करते हैं और सिर्फ एक इंजेक्शन से यहाँ स्पून कर देते हैं जहां से हमको नीडल को एंट्री करना है। अब जब नीडल हमारी कन्फर्म हो जाती है कि हम नोड्यूल के अंदर हैं, तब हम उसको हीट एनर्जी को, वो जनरेटर या मशीन से कनेक्टेड रहता है वो एंटीना, और हम उसको उससे कनेक्ट करके जब हीट एनर्जी ऑन करते हैं, तो वो नोड्यूल डिस्ट्रॉय होना या बर्न होना शुरू हो जाता है। डिफरेंट डायरेक्शंस में हम नीडल को ले जाते हैं और उसको बर्न करते हैं। तो जब प्रोसीजर लगभग ये आप समझ सकते हैं 10 से 15 मिनट का होता है, और उसके बाद नीडल को निकाल लिया जाता है, पेशेंट नॉर्मल रहता है, पेशेंट को ज़्यादातर कोई पेन या कुछ महसूस नहीं होता, या अगर थोड़ा सा होता भी तो उसके लिए मेडिकेशन दी जाती है। प्रोसीजर के बाद पेशेंट को हम 1-2 घंटे ऑब्जर्वेशन के लिए रख सकते हैं, और उसके बाद पेशेंट अपने घर जा सकता है। तो आप देखिए कि कितना एक इजी प्रोसीजर है कि नोड्यूल जो, जिसके लिए एक बड़ी सर्जरी करी जा रही थी, उसकी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, हम कि उसको बिना सर्जरी के ट्रीट कर सकते हैं। अब एब्लेशन का क्या रिजल्ट आएगा? एब्लेशन का ये रिजल्ट आएगा कि जो नोड्यूल बाहर दिख रहा है, वो धीरे धीरे, क्योंकि अब वो डिस्ट्रॉय हो गया है, उसकी खून की सप्लाई, ब्लड सप्लाई बंद हो गई है, तो वो ग्रो करना बंद कर देगा, रादर श्रिंक करेगा। तो श्रिंक करेगा जब, तो वो बाहर दिखाई देना बंद हो जाएगा। मोस्टली अबाउट 6 मंथ्स में नोड्यूल 50-60% छोटा हो सकता है, और लगभग 1 साल के अंदर 80-90% नोड्यूल श्रिंक हो जाता है, तो बाहर दिखाई नहीं देगा। तो कॉस्मेटिकली इट विल बिकम क्वाइट ओके कि आपको वो नोड्यूल दिखाई ना दे। दूसरा, दबाव अगर डाल रहा है फूड पाइप पे, विंड पाइप पे, क्योंकि नोड्यूल छोटा हो रहा है, तो वो भी दबाव डालना बंद कर देगा, या पेन भी डिसअपेयर हो जाता है। तो एक बड़ी सर्जरी से आप एक बहुत छोटे से प्रोसीजर से अपने उस नोड्यूल को, जो आपको परेशान कर रहा है, आप ट्रीट करा सकते हैं। तो अगर आपको थायराइड नोड्यूल है, आप पहले थायराइड डॉक्टर से, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। उसके पहले वो आपकी नीडल टेस्ट, जिसको FNAC कहते हैं, वो करवाएंगे। अगर वो नॉन कैंसरस है, तो आप इस एब्लेशन टेक्निक
के लिए, अपने ट्रीटमेंट के लिए मिल सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। मेरे वीडियो में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, क्लिनिक एड्रेस सब दिया हुआ है। या आप अगर किसी दूर के एरिया से, तो हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आप एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से मिलें और अपने इस थायराइड एब्लेशन मेथड के बारे में जानकारी हासिल करें। नमस्कार।